कांग्रेस ने बुधवार देर शाम लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी। इस सूची में 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सूची में कांग्रेस ने अपनी तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में सुप्रिया श्रीनेत उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार थीं। इस बार भी ये तय माना जा रहा था कि उन्हें महाराजगंज से लोकसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को मैदान में उतार दिया, जो फिलहाल कांग्रेस के विधायक भी हैं। चुनाव आज तक के खास शो प्रवक्ता में खुद सुप्रिया श्रीनेत से भविष्य की राजनीति के बारे में सवाल पूछा गया था। श्रीनेत ने कहा था कि वो महाराजगंज के लोगों की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। तो आप अपना भविष्य पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्या देखती हैं? मुझे लगता है कि सही मुद्दों को उठाते हुए, मुझे लगता है एक बड़ी लड़ाई लड़ते हुए, मुझे लगता है कि एक ऐसी रजीम के खिलाफ लड़ते हुए जहां पर लोग थोड़ा डर के चुप हो गए थे, अब लोग मुखरित होकर फिर से बोलने लगे हैं। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही समर्पित हूँ महाराजगंज के लिए, और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं वहाँ के लोगों का आशीर्वाद और विश्वास प्राप्त करके उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर सकूं। मतलब यह हुआ कि 24 में चुनाव लड़ रही हैं? हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्यूट। अरे वाह वाह, क्या बात है। साफ है कि सुप्रिया की तैयारी इस बार महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी छुट्टी कर दी। ऐसा लगता है कि कंगना रणावत पर की गई भद्दी टिप्पणी ने सुप्रिया श्रीनेत का खेल खराब कर दिया है। श्रीनेत ने मंडी लोकसभा सीट से कंगना रणावत को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर एक बेहद अपमानजनक कैप्शन के साथ पोस्ट की थी, जिसके बाद वो चौतरफा राजनीतिक भंवर में घिर गई थीं। हालांकि सुप्रिया ने फौरन उस पोस्ट को डिलीट किया था, लेकिन तब तक कंगना रणावत ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और सुप्रिया श्रीनेत पर निशाना साधा था। हालांकि श्रीनेत ने अपनी सफाई में कहा था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट की पहुंच कई लोगों तक है और ये विवादित पोस्ट उन्होंने नहीं लिखी है। विवाद बढ़ने पर बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाए थे और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं, मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। जवाब में कंगना समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा था कि हिमाचल के मंडी को छोटा काशी कहा जाता है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करना तकलीफ देह है। पूरे मामले में बीजेपी की महिला नेता भी मैदान में उतर आई थी और पार्टी ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। बीजेपी ने कहा था कि सुप्रिया श्रीनेत की भद्दी टिप्पणी से पूरा मंडी और हिमाचल प्रदेश गुस्से में है और कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल, कांग्रेस इस विवाद की कीमत चुकाएगी या नहीं, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत इसकी कीमत चुकाती जरूर नजर आ रही हैं। श्रीनेत पर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि कांग्रेस में खुद श्रीनेत ही पार्टी के सोशल मीडिया अभियान की मुखिया हैं। वही ये निर्धारित करती हैं कि तमाम राजनीतिक विषयों पर बीजेपी और सरकार को कैसे घेरा जाना है। ऐसे में कांग्रेस के लिए विवाद का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। कांग्रेस अगर सुप्रिया श्रीनेत को महाराजगंज लोकसभा सीट से टिकट दे देती तो पार्टी पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लग सकता था। साथ ही बीजेपी को यह कहने का मौका भी मिल जाता कि कांग्रेस में महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय व्यवहार करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि श्रीनेत की मुश्किलें यहीं तक नहीं हैं। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आज तक।